गाइस मेट्रोसिनल आशा स्पेशल हेयरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर होती है आप लोगों की वजह से। आज का जो वीडियो है इंस्पायर्ड है डॉक्टर हरजीत गोस्वामी के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट किया है कि उनका बेटा कभी अपनी भूख को एक्सप्रेस नहीं करता, उसे हम खाने के लिए दे देते हैं तो वो खा लेता है, अदरवाइज़ नॉर्मल किड्स की तरह वो कभी हमारे पास नहीं आएगा और कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा कि मुझे भूख लगी है। क्या हमें कोई विटामिन सप्लीमेंट्स देने चाहिए, और दूसरी बात क्या ये कोई साइन है ऑटिज़म या एडीएचडी का। सो डॉक्टर हरजीत के कमेंट पर ज़रूर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में स्प्रेड कर दीजिए जल्दी से। और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं +91 इंडिया का एसडी कोड लगाना ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 500, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करने के लिए 1000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है। तो दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर हरजीत के कमेंट पर। सो माय डियर डॉक्टर हरजीत, बेसिकली ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ आती है जिनके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन होते हैं। अब वो डिसिप्लिन में क्या होता है कि वो एक स्केड्यूल तैयार कर लेते हैं कि इतने बजे हमें बच्चे को ब्रेकफास्ट देना है, इतने बजे नून स्नैक्स देने हैं, इतने बजे लंच देना है, इतने बजे चाय दूध या ड्रिंक्स देना है, इतने बजे वापस रिफ्रेशमेंट देना है, इतने बजे उसको फिर डिनर देना है, इतने बजे रात का मिल्क देना है, एंड दैट्स ऑल। तो बीच में गैप कहाँ रहा हरजीत? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर उसको ध्यान से देखा जाए, सोचा जाए, आप तो उसको रेगुलरली एक इंटरवल आपने इंटरवल डिसाइड कर लिया, उस पर आप फीड कर रहे हो उसको, तो वो क्यों डिमांड करेगा? तो डियर हरजीत, बेसिकली क्या होता है कि जितने भी बच्चे जिनके पेरेंट्स काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, वो सारे बच्चे कभी डिमांड करने के लिए आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आप ही इतने इंटेलिजेंट हो कि सारी डिमांड्स को फुलफ़िल कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ी सी और इनसाइट को यूज़ करना है। 2-3-4-5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए आपको दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, आपको उसका सारा स्केड्यूल उलट पुलट करना पड़ेगा। यानी आप क्या करेंगे, आपको उसको बिना मांगे, बिना डिमांड के सामान नहीं देना है। सबसे पहले छोटे छोटे मील्स को स्किप करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप ये शुरू कर दोगे तो उसको थोड़ा सा गैप मिलेगा, उसके पेट में जो हंगर है वो थोड़ा जनरेट होगा, और हंगर का जो सेंसेशन है उसके बाद वो थोड़ा सा रिएक्शन देगा, चाहे वो रो के रिएक्शन दे, चाहे वो टेम्पर टेंट्रम थ्रो करे, चाहे वो कुछ भी करे, तो कई सारे वो रीज़न से ये रिएक्शंस देगा आपको। अब आप क्या करेंगे, एक डिसिप्लिन तरीके से, जो डिसिप्लिन आपने पहले उसके स्केड्यूल को बनाने के लिए बनाया, अभी आप डिसिप्लिन अपने अंदर बनाएंगे कि हमें ये बच्चा एक्सप्रेस करते हुए चाहिए। रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते हैं, क्योंकि ये आदत उसकी बचपन से बनी हुई है और आपकी भी। इस आदत को छोड़ने के लिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए यू नीड सम टाइम। तो मैंने आपको बोला 1 वीक आप लगातार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन थोड़ा थोड़ा उसको स्टार्व करना शुरू कीजिए, यानी उसके कुछ मील्स को स्किप कर दीजिए, दीजिए बात। तो ये बच्चे जो होते हैं, जो भी मील्स नहीं मांग रहे, फूड नहीं मांग रहे, उसको आप ADHD और ऑटिज़म का साइन कंसीडर नहीं कर सकते, उसको आप साइन कंसीडर कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ चूक हुई है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो रहा। और अभी मैंने आपको उसका रीज़न बताया। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करना शुरू कीजिए। सबसे पहले आप स्किप कीजिए उनके मील्स को, आप थोड़ा थोड़ा गैप देना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि उनको जैसे जैसे ये सेंसेशंस होंगी, वो आपके सामने ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। आप याद रखिए, कई बार सुबह मील देने के बाद आपको शाम तक भी उसको तंग करना पड़ सकता है, आपको 2-3 मील्स, छोटे छोटे मील्स बीच में से स्किप करने पड़ेंगे, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। और आप मान के चलिए, जो आप उसको तकलीफ दे रहे हो वो उसके भले के लिए दे रहे हो, उससे आप इमोशनल मत होइए, क्योंकि इन बच्चों के साथ आप अगर डील कर सकते हैं जिनको भी ADHD का प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम है, वो आपके इमोशंस को भी समझते हैं, नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी करना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं कि वो नहीं करते हैं। सो डोंट मेक अ स्केड्यूल। आप ये देखिए कि कब वो एक्सप्रेस करता है। घर में रेडीमेड सब चीज़ें तैयार होती हैं, तो उसी वक्त आपके घर में माइक्रोवेव भी होगा, आप हीट कीजिए और फटाफट से उसको दे दीजिए जब वो थोड़ा थोड़ा डिमांड करने लगे। लेट हिम डिमांड, तो डिमांड करेगा, लेकिन वो डिमांड क्यों नहीं कर रहा, वो कहीं प्रॉब्लम्स हमसे हुई हैं, तो वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह कुछ दिन में डिमांड भी करने लगेगा। यू स्टिक टू दिस डिसिप्लिन, ओके?
ऐसे ही कमेंट करते रहिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स की वजह से इतने सारे वीडियोस बन पाए हैं। बाय बाय।